हे ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सा टाइप का यूज करके इस तरह की फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। गाइस, ऐसे एडिटिंग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आप सर्च करके देख सकते हो, आपके भाई के चैनल पे ही सिर्फ ऐसे एडिटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को समझाया है, यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि ऐसी फोटो कैसे एडिट की जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की और भी वीडियोज हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सा टाइप के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको फोटो में कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हो, मतलब कि कुछ ग्रीन टाइप का ऐसा कुछ हो, तब बेटर होगा, ठीक है, ऐसे एडिटिंग करना। तो जो भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आप बस फॉलो करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको फोटो को ओपन करके इफेक्ट्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो पिक्सा टाइप के अंदर ओपन करने के बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि इफेक्ट्स पे, ठीक है। और यहाँ से आप इफेक्ट्स पे आ जाएंगे, इफेक्ट्स वाली कैटेगरी में, और यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर ढूंढ के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो ये वाला गाइज आपको एक इफेक्ट जो है अप्लाई करना है, ठीक है। 1994 का इफेक्ट है ये, ठीक है, इसका नाम है 1994। अगर आपको ये इफेक्ट नहीं मिलता तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिक्सआर्ट फुल वर्जन, ऐसा कुछ उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो वीडियो देख के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से गाइज इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज जो लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करेंगे, और अब बस अपनी फोटो को जूम करना है और इस तरह से इरेज कर देना है, ठीक है। तो ये आपको अपने पूरे फेस पे, हैंड पे चलाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इफेक्ट हमने अप्लाई करा है वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट हमने अपने बैकग्राउंड पे दिया है। तो बाकी जितने भी हैंड पे और फेस पे इसका इफेक्ट है हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हैंड से और फेस से ईजिली हटा लेना है, क्योंकि हैंड पे और फेस पे इसका इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने हैंड से इरेज कर लेता हूँ और अपनी फेस से, और उसके बाद आपको बता रहा हूँ आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने हैंड और फेस से जो है इरेज कर लिया है। इरेज कर लेने के बाद अब आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी है और भी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ जाएंगे हम एडजस्ट में, ठीक है। एडजस्ट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, तो सेचुरेशन को हम यहाँ पर अराउंड 60 इंक्रीज कर देंगे। क्लैरिटी को भी लगभग 70 के अराउंड रख लेंगे, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं 20 के अराउंड आपको रखना है। यहाँ से हाईलाइट्स को बिल्कुल ही थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि 5-6, ठीक है। उसके बाद यहाँ शेडोज को आपको कम कर लेना है, शेडोज को ज़्यादा भी कम नहीं करना है गाइस, मतलब थोड़ा सा -15। और उसके बाद टेम्प को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड ऐसा है कि वार्म सा ऐसा कुछ टोन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेजर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो इरेज लिखा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है। अब अपनी फोटो को जूम करना है और फिर से वही प्रोसेस, यानी कि आपको अपनी फेस और हैंड से इरेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी साइज़ को आपको देख लेना है, बड़ा या छोटा करके, यानी कि साइज़ को बढ़ा या घटा कर देख लेना है। और उसके बाद आपको अपने पूरे फेस से, हैंड से, लेग से इरेज कर देना है, क्योंकि ये जो अभी हमने इफेक्ट अप्लाई करा है ये भी हमारे बैकग्राउंड को एडजस्ट करने के लिए था, ठीक है। तो बैकग्राउंड की एडजस्टमेंट के लिए ये इफेक्ट हमने अप्लाई करा, तो इसे सिर्फ बैकग्राउंड पर ही रहने देना है, बाकी अपनी फेस से और हैंड से इरेज कर देना है। और क्लॉथ्स पर भी रहने दे सकते हो, क्लॉथ से हटाओगे तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ से इरेज कर लेना है। मैंने यहाँ से फुल मतलब फुली इरेज कर लिया हैंड से और फेस से। अब यहाँ पे गाइज आपको डन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपने फेस को वाइट करना है, यानी कि गोरा बनाना है, तो वो आप कैसे करेंगे तो देख लीजिए। यहाँ पे बैकग्राउंड के और क्लॉथ्स की एडजस्टमेंट तो हो गई, अब यहाँ से टूल्स में जाएंगे और अगेन जाएंगे हम एडजस्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से अपनी फेस को वाइट करेंगे, इसके लिए हम ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को माइनस कर देंगे, यानी कि नीचे की ओर कर देंगे, तो इससे सेचुरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इरेजर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फोटो को जूम करना है आपको, और ये इस तरह से आपको कुछ चला देना है, ठीक है। तो ये आपको अपने पूरे नेक पर चलाना है, पूरे फेस पे, हैंड पे, मतलब कि जिस पार्ट को आपको वाइट करना है यानी कि गोरा करना है वहाँ पर आपको इसे चलाना है, ठीक है। तो याद रहेगा इस ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और सेचुरेशन को कम कर देना है, और तब इसे आपको अपनी फेस, हैंड और लेग पे चलाना है। इससे आपकी फेस, हैंड और लेग वाइट हो जाएगी, जिसके कारण आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। तो ये मैं पूरे थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ओवरऑल हमने यहाँ फेस पे चला दिया है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि फेस पहले के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा वाइट यानी कि मस्त हो गया, गोरा। तो अब इस फोटो को सेव करना है, यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर चल के इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो आफ्टर फोकस ऐप के अंदर करेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए हम यहाँ से थ्री डॉट आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को पहले हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके इस फोटो को हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो अब ओपन करेंगे हम आफ्टर फोकस ऐप के अंदर। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आफ्टर फोकस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे मतलब होम स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आफ्टर फोकस ऐप, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ से करते हैं कट और यहाँ पे आफ्टर फोकस ऐप ये रहा। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ से आपको एक एल्बम का ऑप्शन बीच में मिलेगा, एल्बम पे आपको क्लिक कर देना है और इसी फोटो को ऐड करेंगे जो कि हमने पिक्सार्ट ऐप के अंदर अभी एडिट किया था, ठीक है। इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है ये वाली, इससे आपको अपने उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको ब्लूर नहीं करना है। यानी कि आप मैक्सिमम एडिटिंग ऐसी सीवी एडिटिंग देखते हो, जो भी प्रोफेशनल आप एडिटिंग देखते हो उसमें बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लूर होता है, ठीक है। तो आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लूर करने के लिए सबसे पहले आपको इस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको ब्लूर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइज इतना समझ लीजिए कि आपको अपनी बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से ये व्हाइट कलर की एक लाइन क्रिएट होती है, तो इससे आप उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको ब्लूर नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फोरग्राउंड में जो भी आ रही है इसको ब्लूर नहीं करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बैकग्राउंड का ऑप्शन यानी ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन से हम ऐसा कुछ ब्लैक कलर का लाइन क्रिएट होगा, तो इसे हम आपको बैकग्राउंड पर सिर्फ चलाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पर चलाने के बाद ये पार्ट जितने भी आप देख रहे हो कि ब्लैक कलर की लाइन जहाँ बनी हुई है, यानी कि जिस पार्ट में बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ पर ये रेड रेड नहीं है वो पार्ट जो है ब्लूर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है देखिए, इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से एक नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है छूट रहा था, तो हम यहाँ से अपनी फोटो को जूम करेंगे और ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन से यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को भी हमें ब्लूर करना है। तो गाइस अब आपको यहाँ से एक ब्लूर करने का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नंबर पर, सिंपली इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से इसकी अमाउंट को पूरा फुल कर देना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, मैं फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो फेदर को भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही थोड़ा, ठीक है। तो फेदर को बढ़ा लेने के बाद यहाँ से अब अपर्चर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम बूके का इफेक्ट देंगे, तो अपर्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बूके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इसकी अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको अपनी बैकग्राउंड में बूके इफेक्ट कितना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी बैकग्राउंड पे जितना रखना चाहो आप इजीली रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एक फिल्टर अप्लाई करना है, तो फिल्टर पे हम जाएंगे यहाँ से। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। याद रहेगा सिर्फ कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को लगभग पूरा या फिर थोड़ा सा कम रख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पे गाइस हमने इतना रख लिया और उसके बाद यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ एक इफेक्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, इफेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको शार्पन नज़र आ रहा होगा, शार्पन पे क्लिक करके इसकी अमाउंट को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसे लगभग मैं इतना बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर हमारी फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो गई है, ठीक है गाइस। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही फुल HD में है हमारी फ़ोटो, बिल्कुल नहीं फटेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से सेव पे क्लिक करके इस फोटो को अब हम सेव कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी फोटो को एडिट करना था, ठीक है गाइस। तो आप ऐसा कर लीजिए, जो भी हमने स्टेप बताया आप बस फॉलो करते जाइए, आपकी फोटो इजीली एडिट हो जाएगी। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस तरह की और भी कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्यूटोरियल लेकर जरूर आएँ। तो आप लोग कमेंट करना और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना अगर आप हमसे पर्सनली कुछ भी बात करना चाहते हो। तो हमारे इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।